नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी के वजह से घटी हुई खतरनाक भूतिया घटना की कहानी है, जिसके बारे में आज आप सुनेंगे ना तो आप कसम खा लेंगे कि चाहे जो हो जाए अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। जैसे जिएंगे, जैसे रहेंगे, वो खुद के दम पर कमा कर रहेंगे। पुश्तैनी नहीं भाई, अगर ऐसा कुछ जुड़ा हुआ रहता है तो। यह घटना ज़्यादा साल पहले नहीं, सिर्फ एक या डेढ़ साल पहले अनुराग के पिताजी के साथ घटी थी। ये कहानी जैसा मैं बता रहा हूँ अनुराग ने ही लिख के भेजा है। अब आगे बढ़ते हैं, पिछले साल की ही बात है, 2023 में अनुराग के दादाजी की मृत्यु होती है। सब लोग घर में बड़े दुखी होते हैं। ये लोग दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में अनुराग के दादाजी, मम्मी, पापा और अनुराग खुद रहते थे। उस समय अनुराग स्कूल में पढ़ाई करता था, आई थिंक वो 11th में रहा होगा। ठीक है, दादाजी की मृत्यु में सबको बहुत शोक होता है, लेकिन उसी समय टिपिकल जैसे फिल्मों में होता है ना, वैसे ही बिल्कुल इनके घर पे एक वकील आता है। मतलब अंतिम क्रिया जो तेरहवीं वगैरह होती है ना, उसके बाद इनके घर पर एक वकील आ जाता है। वकील क्या बताता है कि इनकी जो मृत्यु हुई है, इनका नाम दीनदयाल रख देते हैं, दीनदयाल जी की जो मृत्यु हुई है, उन्होंने कहे थे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी वसीयत नामे को मेरे परिवार के सामने पढ़ देना, तो मैं वसीयत नामा लेकर आ गया हूँ। वकील जी पढ़ते हैं कि दीनदयाल जी की प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके पहले बेटे को मिलता है। पहले बेटे कौन? अनुराग के पिताजी। और वो बहुत बड़ा हिस्सा क्या था? वो बहुत बड़ा हिस्सा था राजस्थान के एक छोटे से गाँव में मौजूद एक बहुत बड़ा बंगला। जी हाँ, जहाँ पर दीनदयाल जी ने अपना बचपन बिताया था, जहां पर दीनदयाल जी का जन्म हुआ था। एक स्टेज में आने के बाद उन्होंने राजस्थान का गांव छोड़ दिए थे। इनका बेटा जब बड़ा हो गया था, यानी कि अनुराग के पिताजी जब बड़े हो गए थे, तो ये सब के सब दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। और राजस्थान के गांव वाला जो वो बंगला था, वो समय के साथ बिल्कुल वीरान होता चला गया। शहर में रह रहे दीनदयाल जी, दीनदयाल जी के बेटे और पोता अनुराग सब सोचते थे कि हमारे जो गांव में वो हमारा वो जो बंगलो है, उसकी देखभाल दीनदयाल जी के एक पुराने मित्र करते हैं। उनको उस बंगले की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं था। इन लोगों ने दिल्ली में बढ़िया से अपना बढ़िया रोज़गार जमा लिए थे, बढ़िया से फ्लैट में रहते थे, कोई तकलीफ थी ही नहीं, तो गाँव तरफ ज़्यादा ध्यान जाता भी नहीं था। और इनफैक्ट अनुराग क्लास 11th में आ गया था, लेकिन फिर भी एक बार भी राजस्थान के उस गाँव के उस अपने पुश्तैनी बंगलों में नहीं गया था। खैर, वकील जी बताते हैं कि आपका वही वाला पुश्तैनी बंगलो आपके नाम होता है। ये मतलब हिला देने वाली बात थी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में दीनदयाल जी की मृत्यु हुई थी और वकील ऐसा आकर बोल रहा है, थोड़ा सा अजीब लगता है कि पिताजी ने पहले से अपनी मृत्यु के बारे में ऐसा सोच के रखे थे क्या। ये सारी चीज़ें ना फिल्मों में ठीक लगती है, रियल लाइफ में थोड़ा झटका दे देती है यार कि पिताजी ये सब कुछ सोच रहे थे। लेकिन ठीक है, वकील जी वसीयतनामा सुनाकर उनको डॉक्यूमेंट्स देकर निकल जाते हैं। और फिर देरवी के कुछ समय बाद, यानी मृत्यु के लगभग 1.5-2 महीने बीत जाते हैं, एक दिन दीनदयाल जी के बेटे थोड़े फ्री थे, यानी कि अपने अनुराग के पिताजी थोड़े फ्री थे और सोच रहे थे बैठे बैठे चाय पीते पीते कि क्या करें, कि काफ़ी साल हो गए हैं मैं वो गाँव वाले बंगलों में नहीं जा पाया हूँ, इनफैक्ट अपने वो पुश्तैनी गाँव गया ही नहीं हूँ, एक काम करता हूँ, पिताजी ने वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी है, एक बार जाकर देख कर धो जाता हूँ, अपनी वाइफ से बात करता हूँ। तुरंत ही अंकल जी ने आंटी जी को बुलाए, बोले सुनते हो चलोगे क्या, थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टी देख के आए क्या जो पिताजी ने मेरे नाम कर दिए हैं। ये बोलते हैं कि देखो, मैं तो कभी उधर गई नहीं हूँ और ना जाना चाहती हूँ, मेरा मन अब यहीं पर लग गया है, आपका सारा कारोबार यहीं पर है, अनुराग की पढ़ाई भी यहीं पर है, और मेरे भी सहेली और अपने और भी रिलेटिव्स यहाँ पर सेटल्ड हो चुके हैं, तो अब गाँव की प्रॉपर्टी के ऊपर इतना फोकस डाल के मतलब क्या है, और वैसे भी अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर पे एक फंक्शन होने वाला है, अब मैं कहाँ जा पाऊँगी। अगर फिर भी आपका बहुत मन कर रहा है, उस प्रॉपर्टी में इतना लगाव लग रहा है, तो आप जाओ, देख कर आ जाओ, मैं नहीं रोक रही हूँ। ये सोचते कैसा करूँ यार, अनुराग से पूछता हूँ, अनुराग बेटा सुनना, चलेगा क्या गाँव वाली अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए, दादाजी ने जो मेरे नाम कर दिए हैं। अनुराग कहता है, पापा क्या करेंगे यार, अपन तो अच्छे खासे यहाँ पर रह रहे हैं ना, छोड़ो ना। फिर भी अनुराग के पिताजी के मन में आता है, नहीं यार, एक बार जाकर देख लेना चाहिए, आखिर जन्मभूमि है वो,
हम अपनी कर्म भूमि में आके जन्मभूमि को तो नहीं भुला सकते। जाकर देख कर आता हूँ। ये कम उम्र के थे जब वहाँ से निकल गए थे, उस समय अच्छा खासा बड़ा बंगलो हुआ करता था, और अब इनका कोई रिश्तेदार भी वहाँ पर नहीं रहता था जो उस बंगलों का ख्याल रख रहा हो। सिर्फ दीनदयाल जी के एक मित्र जिन्हें ये चाचा चाचा कहते थे वो ध्यान रखते थे। ठीक है बोले, ये अपनी टिकट बुक कर लेते हैं और दीनदयाल जी के उन मित्र को, एक तरीके से केयर टेकर कह सकते हैं हम, उनको फ़ोन करके बताते हैं कि मैं आ रहा हूँ और देखना चाहता हूँ प्रॉपर्टी को। तो जो दीनदयाल जी के मित्र थे, जो केयर टेकर थे, वो भी बड़ी दबी हुई आवाज़ में कहते हैं कि बेटा ठीक है आ जाओ, कौन से दिन आ रहे हो, ध्यान देना अमावस्या या पूर्णमासी की रात ना हो। तो ये परेशान हो जाते हैं अनुराग के पापा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोले नहीं बेटा कुछ नहीं, आ जाओ ठीक है। ट्रेन की टिकट बुक हो गई, ये अपने राजस्थान के एक शहर में पहुंच गए। उस गांव तक ट्रेन नहीं जाती थी। उतरे, शाम का टाइम हो चुका था, इन्होंने एक फोर व्हीलर गाड़ी बुक की है और उस गाड़ी से उस गांव की तरफ निकल पड़े। बीच में थोड़ी सी भूख प्यास भी लग गई तो गाड़ी रुकवा दी, फिर ढाबे में खाना पीना खाए हैं और वो गाँव पहुँचते तक रात के लगभग 10 बज गए। अभी क्या, अभी दरअसल वो जो बंगला था ना इनका, वो थोड़े इस गांव के आउटस्कर्ट्स में था। मतलब एक तो ये गांव खुद एक आउटस्कर्ट में है और वो बंगलो और आइसोलेटेड एरिया में, मतलब ऐसे एरिया में कि नॉर्मली लोग वहाँ पर जाए ही ना, एकदम दूर दराज के इलाके में। जैसे लोग फार्म हाउस ऐसा बना देते हैं ना, बिल्कुल वैसा इन लोगों ने उस ज़माने में कई ज़माने पहले बनाए हुए थे, मतलब समझ लो दीनदयाल जी के पिताजी ने बनाए हुए थे बहुत साल पहले। ठीक है, दीनदयाल जी के मित्र से ये मिलते हैं, इनका नाम कुछ रख देते हैं, अंकल जी बोलते हैं, चलो ठीक है इनको अंकल जी बोलते हैं। ठीक है, तो अंकल जी दीनदयाल जी के मित्र से मिलते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं मिलके। इनको चाय पानी करवाते हैं, खाना वाना खिलवाते हैं और बोलते हैं बेटा कब जाने का प्लान है बंगला देखने के लिए। ये बोलते हैं कि आज तो काफ़ी समय हो गया है, रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं, अब क्या ही मैं उधर तरफ जाऊँ, एक काम करता हूँ कल सुबह ही निकल जाता हूँ बेहतर रहेगा। दीनदयाल जी के मित्र जो कि केयर टेकर थे उस बंगलों के, वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, बोलते अच्छी बात है, तुम रात में वहाँ पे ना ही जाओ तो बेहतर है। तो अंकल जी बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अपने केयर टेकर से कहते हैं। तो केयर टेकर जी बोलते हैं कि यार बेटा पता नहीं कुछ साल पहले वहाँ पे एक अजीबोगरीब घटना घट गई थी, जिसके बाद लोग बोलने लगे कि उस बंगले में ढेर सारी आत्माएँ घूमती है, भूत प्रेत पिशाच, और जो कोई भी उस बंगले के आसपास भी गुजरता है तो वहाँ पर रह रहा एक आदमखोर पिशाच उस सामने वाले आदमी को झपट लेता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका खून और मांस पूरा चूस चूस कर खा जाता है, सिर्फ और सिर्फ बचता है सामने वाले व्यक्ति का नरकंकाल। दीनदयाल का वो घर अब एक साधारण घर नहीं रहा, एक साधारण बंगला नहीं रहा, बल्कि वो एक भूत बंगला बन चुका है। अरे चाचा जी क्या बात कर रहे हैं आप, हंसते हुए अंकल जी बोलते हैं अपने केयर टेकर से। अरे चाचा जी आज के जमाने में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है क्या, आप तो बिल्कुल वो भूतिया वाला माहौल बनाती है। पुराने जमाने में फिल्में देखा करता था जब मैं बहुत छोटा था, एक कौन सी तो फिल्म आई थी यार, उस फिल्म में भी ना एक केयर टेकर था, वो लालटेन लेकर आता था और ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके डरा डरा के एक बगले की कहानी बताता था, आप तो बिल्कुल वही वाली फील में चले गए। चाचा जी चुप हो जाते हैं सुन के। केयरटेकर चाचा जी बिल्कुल शांत, मुंह लटकाए नीचे देखने लगते हैं। 2 मिनट अंकल जी का हंस के खत्म होता है, बोलते हैं अरे चाचा जी देखो बुरा मत मानना, गांव वाले लोगों की आदत होती है दिल का ताड़ बना देने की, राय का पहाड़ बनाकर रख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता चाचा जी, हमने बहुत दुनिया देखे हुए हैं, हमारी दिल्ली में ऐसी बातें बहुत नॉर्मल है, लोग तो जोक बना देते हैं, आप लोग बड़ा सीरियस लेके बैठते हैं। चाचा जी शांत हैं, बोलते ठीक है बेटा अगर तुम्हारा इतना मन है तो देख लो जैसा भी करना है। हाँ चाचा जी मन तो बुरा है, और अब ऐसा मन हो गया है कि मैं कल दिन में नहीं कल रात में ही बंगले को देखने के लिए जाऊँगा। चाचा जी शॉक्ड, कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन नहीं बोले, अंकल जी के सामने नहीं बोल पाए। और ठीक है बेटा अभी सो जाओ, कल देखना क्या करना है। सो जाते हैं अंकल जी चाचा जी सब लोग सो गए। केयर टेकर को मैं चाचा जी बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना, और अनुराग के पिताजी को अंकल जी बोल रहा हूँ। ठीक है, सो गए जाके बढ़िया से। अगला दिन निकला,
अगले दिन ये पूरे गांव वाँव में घूमे, मस्त टाइम पास किया, अपने बंगलों तरफ तो गए नहीं, शाम होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी अंकल जी को प्रूफ करना है कि केयर टेकर चाचा जी झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो एक वहम में है, या फिर पूरे गांव वाले एक झूठी सोच के साथ जी रहे हैं कि हमारा पुश्तैनी बंगलो भूतिया बन चुका है। ठीक है भाई, शाम का वक्त आया, फिर बोले अब अंधेरा होने वाला है, निकलता हूँ। ये केयर टेकर चाचा जी के घर पर रुके हुए थे, समझ में आ गया होगा आपको। तो केयर टेकर चाचा जी के घर से इनका जो बंगलो था वो लगभग 2.5 किलोमीटर था। ये बोले पैदल ही वॉक करते हुए निकलता हूँ, थोड़ा समय और निकल जाएगा और प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा। ये घर से निकले और वहाँ पर पहुँचने में लगभग 8:15 बजा डाले, 8:15 बजे। गांव में लोग अपने घरों के अंदर चले जाते हैं सोने या डिनर करने की तैयारी करने लगते हैं आज के टाइम में भी। और ये जो इनका बंगला था ये तो गाँव के आउटस्कर्ट्स में था, यानी गाँव के और बाहरी इलाके में, आइसोलेटेड टाइप के एरिया में, पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ, एक तरफ बहुत गहरा कुआं, ना जाने किसने खुदवाया था, शायद दीनदयाल जी के दादाजी ने खुदवाए थे, उतने पुराने टाइम में सोचो। यानी जिस जमीन में ये बंगला बना हुआ था वो लगभग 200 साल से इन लोगों के परिवार के पास थी। ठीक है, ये अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी में आकर काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन यह खुशी अगले ही पल थोड़ी मटिया मैल टाइप की हो गई। मटिया मैल, इन्होंने क्या देखे कि यार अच्छा खासा बंगलो जहां पर हम बचपन में खेला करते थे, मैं मेरा भाई दादाजी हमको दौड़ा दौड़ा के पीटा करते थे हमारी मस्तियों में, आज वो बंगलो खंडर में तब्दील हो चुका है, इसे कोई देखने वाला नहीं है, क्यों ऐसा क्यों? मैं ज़रूर केयरटेकर चाचा जी से इस बारे में पूछूंगा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। खैर, इतनी हालत खस्ता थी उस बंगलों की कि मैं आपको क्या ही अब एक्सप्लेन करूं। मतलब कहीं से जाले लगे हुए हैं तो कहीं से कोई दीवार टूटी हुई है, कहीं पे ढेर सारे चूहे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो पता नहीं किस चीज़ की अजीब वगरीब बदबू आ रही है, जैसे किसी ने बहुत दिन से ये करके छोड़ दिया हो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ये एक बंगलों के ऊपर वाले कमरे की तरफ पड़े, इसके हालात थोड़े ठीक थे, शायद यहाँ पर केयर टेकर चाचा जी आते होंगे और कभी कभी सोते होंगे, उन्होंने देखे। इन्होंने अपने साथ एक छोटी सी दरी जैसे रखी हुई थी, दरी समझते हैं आप लोग गांव से जो है वो समझ जाएंगे, एक खटिया थी, चारपाई, चारपाई को बिछाया और वो दरी को चारपाई के ऊपर डाल दिया और बोले आज तो मैं बढ़िया यहीं सोऊंगा और सुबह जाऊँगा और सभी को प्रूफ करूंगा कि हमारा अच्छा खासा पुश्तैनी बंगलो किसी भी रूप से भूतिया नहीं है, ये एक भूत बंगला किसी भी कंडीशन में नहीं है। ऐसा करके ये गहरी नींद में चले जाते, दिन भर की थकान बहुत थी, ट्रैवलिंग थी, ये वो पिछले दिन के, मतलब गहरी नींद में चले जाते हैं। पता नहीं सोए हुए कितना समय हुआ होगा, खाना वाना खा के आए थे, पता नहीं कितना टाइम हुआ होगा कि इनको अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है घर के बाहर से। ये जागते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ थी, बाहर निकलते हैं और किसी को भी नहीं पाते। ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी जैसे में थे, नीचे तरफ भी देखते हैं कोई नहीं है, बोले ये किस चीज़ की आवाज़ थी यार, बड़ी अजीब सी, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो या दर्द से कराह रहा हो। छोड़ो, मेरा वहम होगा, गाँव का इलाका है, बहुत शांत भी हो चुका है, तो कई बार इतनी शांति में ज़रा सी आवाज़ भी बहुत शोर करती है, किसी कीड़े या जानवर ने निकाला होगा। जाता हूँ, सोता हूँ, इग्नोर मारता हूँ। ये उसी सोच के साथ वापस से सो गए। अब सोए हुए वापस से कितनी देर हुए होंगे, कितनी देर नहीं मालूम नहीं भाई, इनको किसी की बहुत ज़ोर से दर्द में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी, दर्द में इस तरह से जैसे किसी को किसी ने बहुत गंदी तरीके से मारा हो, बहुत बुरा दर्द पहुँचा के, तो सामने वाला कैसा चिल्लाएगा, ये वैसी चीखने की आवाज़ थी। ये बड़बड़ाकर उठ गए, बोले ये तो बहुत क्लियर था, ये कोई वहम नहीं, कोई सपना नहीं, मैं देखता हूँ। फिर ये बाहर निकल कर देखे, कुछ नहीं, बोले ये क्या मैटर है यार, ये हो क्या रहा है, थोड़ी देर देखता हूँ मैं यहाँ पर, कोई है तो नहीं। वो इधर उधर हुए, नीचे जाके भी देखने की कोशिश की, लेकिन लिटरली कोई भी नहीं था। बोले पक्का मुझे कोई अजीबो गरीब सपना आ रहा है, वो सता रहा है, मैं जाता हूँ, थोड़ा लेटता हूँ, अभी तुरंत नहीं सोता, थोड़ा लेटता हूँ और देखता हूँ कि सचमुच में किसी की आवाज़ आ रही है या कुछ लफड़ा है क्या। ये फिर से अपने बिस्तर में चले जाते अपनी चारपाई में
और लेटे लेटे इधर उधर देखने लगते हैं कि अचानक से इनको गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। शिट, ये तो गोली चली है पक्का वाली। और जैसी गोली चली, ये रियलाइज़ किए गोली चली है पक्का वाली, ये जिस कमरे में लेटे हुए हैं फर्स्ट फ्लोर के, उस कमरे का दरवाज़ा भाड़ से खुला है और दरवाजे के अंदर कोई एंटर किया है भागते हुए। उसको देखकर क्लियर ऐसा लगा कि वो डरा सहमा आया हुआ है, किसी से बचते हुए अंदर भाग कर आया है। अंधेरा था, गांव है ये, ना जाने कितने दिनों से बंद है, कोई लाइट फाइट नहीं है यहाँ पे। जी हाँ, थोड़ी बहुत रोशनी थी, जो ये रोशनी पा रहे थे वो अपने मोबाइल की वजह से पा रहे थे। तो जिस समय ये लेटे हुए थे और जिस समय दरवाजा धार से खुला था, कोई अंदर आया था, तो इनका फ्लैशलाइट ऑन नहीं था। बाहर की चांद की रोशनी से इतना तो समझ में आया कि कोई व्यक्ति अंदर घुसा है, लेकिन चेहरा कहां से दिखेगा, दिख सकता है क्या? नहीं। ये घबरा गए और क्लियर देखे हैं कि जो भी अंदर भागकर आया है वो अंदर वाले कमरे में, जहां पर हमारा उस जमाने में किचन हुआ करता था, उतर गया है। ये उठे, अपनी चारपाई से कांप रहे हैं डर के मारे, कौन आ गया, गोली चलने की आवाज थी, कौन है अंदर, कौन गया है वहां पे, बाहर आओ, अपना चेहरा दिखाओ, हो कौन तुम? अब तक इन्होंने अपना फ्लैशलाइट ऑन कर दिए थे। अंदर से किसी की करहाने की आवाज अभी भी आ रही है, जैसे कि अंदर वाले कमरे में कोई जाकर छिप गया और ऐसा कर रहा हो। ये समझ गए कि बाहर कोई बड़ा लफड़ा हो गया, कोई बचते बुचाते अंदर आया हुआ है। ये हिम्मत करके धीरे धीरे कदमों के साथ किचन की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही अंदर पहुंचते तो क्या पाते हैं, अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? अंदर वाला कमरा लिटरली बहुत छोटा है और ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है कि वो सामान के अंदर छुप जाए। कोई भी नहीं है, कौन है यहाँ पर, कोई आया हुआ था क्या? ये फिर से अपने सामने वाले कमरे की तरफ जाते जहाँ पर ये सो रहे थे और वहाँ पर भी कोई नहीं, और बाहर वाला दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। बाहर तरफ ही भागते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बोले ये क्या था क्या यार, लिटरली मैंने क्लियर देखा हूँ कोई अंदर आया है। बोले जाने दो यार, अभी मैं पूरी रात जागता हूँ, बैठे रहता हूँ। ये पूरी रात अपनी चारपाई में बैठे रहे। इस वक्त समय लगभग रात के 2 का हो रहा था। बैठे रहे रात के 3 बजे से, इनको ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देना शुरू हुई है ना, जैसे कोई इतना चीख रहा हो, जैसे कोई किसी को बहुत पीट रहा हो, जैसे कि गोलियाँ चल रही हो, जैसे कि इनके बिस्तर के नीचे ही कोई बैठ कर रो रहा हो। ऐसी ऐसी आवाज़ें कि इनका दिल सहम गया। 2-2 मिनट में इनका दरवाज़ा बाहर से खुलता, अंदर कोई आता और किचन की तरफ जाकर छिप जाता, फिर बाहर से खुलता, फिर कोई आता छिप जाता। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आज फिर से बताते हुए, लेकिन ये लिटरली उनके साथ हो रहा था। 2-2 मिनट में दिखाई दे रहा है, 2-2 मिनट में चीज़ें रिपीट हो रही है, गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब इनका दिमाग ख़राब कि मैं यहाँ से जाऊँ तो कैसे जाऊँ, इतनी रात गए, समझ में नहीं आ रहा है बाहर कुछ गड़बड़ है, जिसके चक्कर में कोई बचते बुचाते अंदर आ रहा है या फिर अंदर ही कुछ गड़बड़ है। इनको फिर चाचा जी की बताई हुई बात दिमाग में आई। शिट, बोले चाचा जी और पूरे गांव के लोग सही तो नहीं बोलते, हमारा ये पुश्तैनी बंगलो कहीं भूतिया बंगला तो नहीं बन गया सचमुच में? साला भगवान का जाप करता हूं मैं, अगर कुछ होगा भी तो मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली करते हुए अपनी पूरी रात काट देते हैं। सुबह के ठीक 5 बजे ये बोले अब मैं सेफ हूँ, अब मैं निकलता हूँ। ये जल्दी जल्दी उठे और बाहर की तरफ बढ़े तो बाहर एक व्यक्ति अपने साइकिल से कहीं जा रहा था। बोले अरे सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये बोलते कुछ नहीं है, मेरा ही घर है यार। बोले हाँ हाँ, हम जानते हैं आपका घर है, लेकिन आप यहाँ पर क्यों? इन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, मेरे पिताजी ने मेरे नाम कर दिए थे तो मैं आया हुआ था देखने के लिए। तो वो व्यक्ति बोलता है गांव वाला कि आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं, आप ठीक तो है, कुछ हुआ तो नहीं इस घर की वजह से? कि बोलते हुआ तो है ऐसा ऐसा। आदमी बोलता है सर आप पहले इससे दूर चलिए। वो आदमी थोड़े खेत की तरफ इनको लेकर गया और फिर बताया कि सर आपका ये जो बंगला था एक टाइम पे पूरा नॉर्मल था, जैसे कि आप लोग छोड़ कर गए थे, फिर दीनदयाल जी के जो मित्र थे वो इसका ख्याल रखते थे। एक दिन भरी बारिश में उनकी बड़ी तबीयत खराब थी, वो बंगले की देखभाल करने के लिए नहीं आ पाए थे और उसी रात को गांव के मुखिया के घर पे चोरी हुई थी, बहुत कीमती कीमती चीज़ों की चोरी। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए,
तुरंत ही चोरी हुई थी और मुश्किल से 15 मिनट के अंदर पता चल गया कि मुखिया जी के घर पर चोरी हो गई है। गाँव के सारे लोग ढूंढाई में लग गए, मुखिया जी थे बड़े आदमी, उसी समय पुलिस भी आ गई और किसी ने पुलिस वालों को खबर दे दिया कि जिस चोर ने चोरी किया है वो दीनदयाल जी के बंगले में जाकर छिपा हुआ है, क्योंकि बंगले में कोई आता जाता नहीं था, आपका बंगला तो ऐसे आउटर एरिया में है, तो ये चोर वहीं पर छुपा हुआ था आकर मुखिया जी के घर से चोरी करके। पुलिस वाले वहीं पर पहुंचे और उससे मुठभेड़ हो गई पुलिस वालों की, और वो जो चोर था ना उसने एक हवलदार के ऊपर जानलेवा हमला भी कर दिया। तो फिर बस क्या, पुलिस वालों ने उठाया अपनी बंदूक, ठाए 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 कर दी उसको, वहीं पर निपट गया वो। उस दिन के बाद से गांव के लोग कहने लगे कि उस चोर की आत्मा अभी भी उस बंगले में भटक रही है, जो कोई भी इस बंगले के आसपास जाता वो जिंदा बचकर नहीं आ पाता रात के वक्त। काफ़ी समय तक ये चलता रहा, फिर गांव के लोगों ने आना बंद कर दिए। फिर जब पूरी तरीके से इस बंगले को वीरान छोड़ दिया गया, दीनदयाल जी के मित्र जो केयर टेकर हैं आपके, वो खुद नहीं आते थे। जब इस बंगले को इस तरीके से वीरान छोड़ दिया गया काफी समय तक के लिए, तो यहां पर कई सारी आत्माओं ने अपना डेरा बसा लिया। एक ऐसा पिशाच भी आया जो नरभक्षी था, जो इंसानों को पकड़ के उनका पूरा मांस उधेड़ उधेड़ के खा जाता था और सिर्फ नरकंकाल उनका छोड़ता था। कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। फिर बस यहां पर तो कोई नजर डालने भी ना आए, फिर एक तांत्रिक बाबा को बुलाए। तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूक की और बोले कि बचना है तो इसके पास आना ही मत, मैंने झाड़ फूक तो कर दिया हूँ कि इसके अंदर की आत्माएं बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन आपको भी किसी को छेड़ना नहीं है, यहाँ पे नहीं आना है, इतने सालों से कोई नहीं आया, आप क्यों आए वो भी रात के वक्त। ये बोलते शिट यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं निकलता हूँ जल्दी जल्दी। ये तुरंत ही अपने केयरटेकर अंकल जी के घर पर पहुंचे, चाचा जी के घर पर पहुंचे और पूरी बात बताया। बोले कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो चाचा जी बोलते कि बेटा तुझे पहले बताया होता तो भी तू ऐसे ही हंसता जैसा कि मेरे पहले वाली बात पे हंसा है, मेरी मजाक उड़ाया होता। मैंने भी सोचा जाकर एक्सपीरियंस कर, तुझे भी समझ में आए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और भूत प्रेत जैसी चीज़ें इस दुनिया में सचमुच में होती है। ये बढ़िया से अपने दिल्ली लौट गए और कसम खा लिए कि मैं क्या, मेरे से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस बंगले इस ज़मीन की तरफ नज़र उठा के देखने भी नहीं आएगा। तब से लेकर आज तक वैसे का वैसा ही है, शायद अभी और खंडर हो गया होगा और ये वो गांव आज तक नहीं गए। ये पूरी पूरी घटना की जानकारी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया अनुराग ने लिख के भेजा, मैंने बोला बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यार सुनाता हूँ आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये कहानी का मकसद ज़रूर पूरा हुआ होगा, आपको अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।